हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं अपने सभी परमानेंट प्लांट की प्रूनिंग करूंगी, क्योंकि जनवरी का महीना अब धीरे धीरे खत्म होने को है और मैं इस महीने में अगर इनकी प्रूनिंग कर लेती हूं तो फरवरी में बहुत ही अच्छी तरह से एक ग्रोथ करने लगेंगे। तो दोस्तों, जो भी परमानेंट प्लांट हैं उनकी प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। प्रूनिंग करने से हमारे प्लांट काफ़ी हेल्थी होते हैं, घने होते हैं और ढेर सारे फल फूल देखने को मिलते हैं। आप देख रहे हैं बेबी सन रोज और इनमें न्यू ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई है, लेकिन कुछ ब्रांचेस काफ़ी पुरानी हैं तो इन्हें कट करके मैं निकाल रही हूँ। तो दोस्तों, ये परमानेंट है, बराबर ये हमारे गार्डन में पड़े रहते हैं, फ्लावरिंग समर में ही करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इनकी प्रूनिंग नहीं करती हूँ तो ये बेकार से दिखेंगे, काफ़ी कमज़ोर दिखेंगे, फूल भी बहुत ही कम आएंगे। इसलिए जो भी परमानेंट प्लांट है दोस्तों, अगर आपके पास टाइम हो तो आप धीरे धीरे प्रूनिंग करना शुरू कर दीजिए। और मैं आपको बताऊं कि गमले को भी चेक कर लीजिए कि उनमें ज़्यादा जड़ें तो नहीं बनी हैं, क्योंकि अगर जड़ें भी ज़्यादा बन जाएगी, गमले के बाहर जड़ निकलती है, तब भी आपके प्लांट कमज़ोर हो जाएंगे और फूल फल कम देंगे। तो रिपोर्टिंग भी ज़रूरी है, प्रूनिंग भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये देखिए बेबी सन रोज की जो भी पुरानी ब्रांचेस थी मैंने कट कर लिया और फिर से देखिएगा काफ़ी अच्छी तरह से घने हो जाएंगे और बहुत ही प्यारी प्यारी पत्तियां देखिए अभी से निकलना शुरू हो गई है। तो मैंने सोचा कि बैठने से अच्छा चलिए गार्डन का थोड़ा बहुत काम कर लिया जाए। तो दिमाग में बात आई कि हम क्यों ना अपने जो भी थोड़े बहुत प्लांट हैं उनकी प्रूनिंग कर लें। दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं प्रूनिंग बहुत पहले ही करके छोड़ दी थी, क्योंकि इनकी ब्रांचेस सूख चुकी थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो थोड़ी बहुत इनकी भी इस तरह से प्रूनिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये भी समर में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कलर में फूल देते हैं। ये देखिए कनेर है, तो इसमें तीन प्रकार के कनेर मैं लगाए, यानी कि तीन कलर के फूल देते हैं। तो एक बहुत ही पतला कनेर था जिसकी मैं अभी आप देख पा रहे हैं प्रूनिंग कर रही हूँ, बहुत ही पतला था, तो मैं जब लगाए ना तब भी इनकी कटिंग कर दी थी। तो इससे क्या होता है ना कि ढेरों ब्रांचेस तैयार होती हैं, जहाँ से हम कट करते हैं वहाँ से न्यू ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हम इनकी कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो है इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे और देखिएगा फरवरी के महीने में नई नई पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं चेक कर रही हूँ कहाँ से मुझे इन्हें निकालना है कट करके इस तरह से। तो दोस्तों, ऐसा करने से ना काफ़ी घने होते हैं, देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और ढेरों मात्रा में फूल आते हैं। तो रेलिंग के सामने लगे हैं, बराबर इनमें फूल आते थे, इसमें बीज भी बनी थी, लेकिन दोस्तों इनकी प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनकी प्रूनिंग भी करूं, एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा भी दूं कि आज मैंने अपने गार्डन में एक छोटा सा काम किया है। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो आप लोग भी ये काम करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपके गार्डन में परमानेंट प्लांट लगे हैं उनकी प्रूनिंग करना शुरू कर दीजिए। रिपोर्टिंग भी गमले को चेक करके, जड़ों को चेक करके कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इनकी, अगली बार तो मैं आपको बताऊं कि मैंने बस एक ही टहनी केवल छोड़ी थी मेन, बाकी सब कट कर दिया, हार्ड प्रूनिंग मैंने की थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक बार मैंने किया तो इतनी मतलब ब्रांचेस तो निकले लेकिन उतना नहीं घना है, लेकिन अब की बार और भी ज़्यादा घने हो जाएंगे, इनकी टहनियाँ काफ़ी मोटी मोटी होंगी। और ये देखिए इन सब की मैंने जो है प्रूनिंग कर दी। और एक कनेर का पौधा और है यहाँ पे, देखिए ये भी बहुत ही कमज़ोर था, एक ही ब्रांचेस थी, लेकिन मैंने एक बार इनकी प्रूनिंग की थी ना तो देखिए इस तरह से तैयार हुए। तो इसे बांधना है दोस्तों, इसको इस तरह से बांध देंगे ना तो ये बहुत ही कि इधर उधर टहनियाँ नहीं जाएंगी। तो मैं इन्हें भी कट करूँगी, यही देख रही हूँ कि कहाँ से इन्हें कट करके निकालूँ। और 8 इंच के गमले में लगे हैं दोस्तों और बहुत ही बड़ा हो चुका है एक कनेर का पौधा, इस तरह से देखिए इसको हम बांध देंगे। अभी सोच रहे हैं कि इन्हें क्या करें और नीचे से कट करने का मन नहीं कर रहा है ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि इनमें भी एक बार फूल आए थे इस तरह से देखिए। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से इन्हें कट कर देते हैं, देखते हैं अभी इस तरह से निकाल देते हैं, बांध देंगे, नहीं तो फिर उसके बाद इन्हें नीचे से कट कर देंगे और इन्हें यहाँ से कट करके हटा देते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि ये छोटे ही रहें लेकिन घने रहें, अच्छे लगें इस तरह से। इनमें फूल देखिए काफ़ी दिनों से खिल रहे थे और कलियाँ बनी हुई हैं। तो दोस्तों, परमानेंट प्लांट जो होते हैं ना,
इनकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा केयर हमें सीजनल प्लांट की होती है, मतलब जो भी विंटर के हैं और समर में जो भी फूल वाले पौधे होते हैं उनकी केयर करना पड़ता है, और जो परमानेंट बराबर चलते रहते हैं तो इनकी कोई ज़्यादा चिंता नहीं रहती है। बस ऐसे प्रूनिंग कर दीजिए, चेक कर लीजिए रिपोर्टिंग की, फिर उसके बाद जो खाद पानी देते रहिए आपके गार्डन में बराबर पड़े रहेंगे। तो मैंने इनकी प्रूनिंग कर ली, और देखिए ये बोगनविलिया है, कटिंग से मैंने लगाया था, तो अब ये धीरे धीरे तैयार होते रहेंगे और इसको नहीं फेंकेंगे, इस तरह से लगा देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ ना, आपकी बार बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है। यहाँ पे देखिए ये भी कटिंग से ही लगा हुआ है, इसमें फूल लगे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कटिंग करूँ कि नहीं करूँ, अभी तो फूल पड़े हुए हैं तो इन्हें मैं छोड़ देती हूँ, बाद में करूँगी। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने परमानेंट प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।